हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द मानसी व्लॉगर। सो कैसे हैं आप सब गाइस? आई नो मैं बहुत दिनों से इनएक्टिव हूँ यूट्यूब पे, बट मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं इतने दिनों तक तो इनएक्टिव नहीं रहूँ। तो मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी जल्दी मैं अपने वीडियोज़ अपलोड कर दूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो आज हम जा रहे हैं, मेरे घर के बगल में ही है छोटा सा मंदिर, तो नहीं बोल सकते हैं बट शंकर भगवान का शिवलिंग है वहाँ पे, तो वहीं पे शिवरात्रि होगा। तो हम चलते हैं वहाँ पे, दिखाते हैं आपको क्या हो रहा है। और अभी हम लोग वहाँ पे सजाएंगे भी थोड़ा बहुत, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। फिलहाल तो मैं घर में हूँ, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, तब तक के लिए बाय। तो अभी हम रास्ते में हैं, अभी हम जा रहे हैं, बस पहुँचने ही वाले हैं, थोड़ा सा और दूर है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। सो गाइस, अभी हम पहुँच तो गए हैं बट मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ अभी, वो देखिए अगर आपको शायद दिख रहा है तो। वो ऊपर जो आप देख रहे हैं वो उतने बड़े बड़े सारे मधुमक्खी के छत्ते लगे हुए हैं। एक मिनट में वो सारे आप जितने भी देख रहे हैं ये सब बड़े बड़े, वो सारे मधुमक्खी के छत्ते हैं। और आप तो जानते ही हो कि ये कितना ख़तरनाक होते हैं, अगर आप एक बार अटैक कर दिए आपके ऊपर तो आप तो गए काम से। तो चलिए हम फिलहाल चलते हैं मंदिर की तरफ। तो चलिए, बस थोड़ा सा और रास्ता बाकी है, वो मैं आपको दिखला देती हूँ। ये है वो पेड़ जिसमें मधुमक्खी के छत्ते हैं, और ये है, यहाँ पे है शंकर भगवान का शिवलिंग। तो अभी हम लोग यहाँ पे जाएंगे, और ये है रास्ता जिससे मैं अभी जा रही हूँ। तो अब हम पहुंच चुके हैं, आप देख रहे हैं सामने भगवान का शिवलिंग है, और आप देख रहे हैं यहाँ पे कितना सुंदर है यहाँ का नज़ारा। वाह, यहाँ पूरा प्रकृति के बीच में है शंकर भगवान, मतलब पीपल का पेड़ इतना अच्छा यहाँ पे। आप लिटरली अगर गाइस आ रहे हो, लिटरली गाइज अगर आप यहाँ पे आ रहे हो ना, मतलब यहाँ पे इतनी ज़्यादा यहाँ पे शांति मिलेगा ना आपको आके, आप मैं क्या बताऊँ। यहाँ पे अगर आप कोई भी टेंशन लेके आ रहे हो तो यहाँ पे आप पक्का उससे रिलैक्स हो जाओगे। यहाँ पे इतना अच्छा, यहाँ पे मतलब आने वाले एक अलग सा मतलब फील होता है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अभी तो यहाँ पे आप देख रहे हैं साफ सफाई हो चुका है, झाड़ू भी यहाँ पे बढ़िया से लग चुका है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं फिलहाल यहाँ पे, अभी हम लोग सजाने के लिए कुछ क्या बोलते हैं कुछ झंडी मुंडी यहाँ पे अभी हम लोग लगा के लेके आएंगे, फिर उसको अभी सजाना है। तो चलिए मैं आपको वहाँ पे लेके जाती हूँ जहाँ पर हम सजाएंगे। उससे पहले आप यहाँ का पूरा व्यू देख रहे हो। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं पीछे झंडी मुंडी लगाया जा रहा है, और ये सब इधर लगा रहे हैं, देख लीजिए सारा काम यहाँ पे हम लोग ही करते हैं, जितने हम लोग इतने बहन दिख रहे हैं ना आपको यही सब। और वो वहाँ पे उतने सारे जो दिख रहे हैं वो बहादुर हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा दिखते हैं आपको, दिख रहे हैं
और झंडी मुंडी कंप्लीट हो चुका है, आधा वहाँ से जा चुका है और आधा ये जो बच्चे अभी हम लेके जाएंगे फिर वहाँ पे हम लोग लगाएंगे और मैं आपको दिखाऊंगी। हो गया चलो। हाय, ये है प्रांजल। हाय कीजिए प्रांजल। हाय हाय, आप कुछ बोलिए, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा बोले। हाँ क्या बोले? अच्छा। बहुत अच्छा। चलिए अभी हम लोग वहाँ पे जाके आने बर्फ का है तो यहाँ और यहाँ गिर गया था पापा से। क्या हो रहा है? मेरे परसू फटक। तो गाइस इतनी मेहनत करने के बाद हम सब कुछ इतना सजा पाए हैं, जिसमें से ये येलो टी शर्ट उत्कर्ष हैं जो बहुत बोल रहे हैं, हम कुछ इतना सजा पाए हैं। हटी ना उत्कर्ष, नहीं आ रहा है ये, तो अब हमसे नहीं हो पाएगा। हम इतने लोग थे और इतने लोग मिलके हम इतना ही सजा पाए। तो गाइस मुझे बहुत बुरा लग रहा है, यहाँ से इतना बढ़िया लोग सजा के गए थे और हम लोग आए उससे पहले ही पूजा हो गया है। अभी थोड़ा देर पहले ही हुआ, थोड़ा देर पहले अगर आ जाते तो शायद पूजा में शामिल हो जाते। कोई नहीं, क्या करें, नहाने में थोड़ा लेट हो गया शायद। लेकिन हम लोग यहाँ से गए भी थे लेट से, 12:30 बज गया था हम लोग गए थे उस टाइम पर, तो वापस आए अभी तो पूजा हो गया। कोई नहीं, अभी चलते हैं प्रसाद खाने। प्रसाद यहाँ पर नहीं मिल रहा है क्योंकि मधुमक्खी की वजह से यहाँ पर ज़्यादा शोर नहीं करने बोलते हैं सर, मधुमक्खी गुस्सा हो जाएगा ना इसीलिए। तो अभी हम लोग वहाँ पे बगल में प्रसाद मिल रहा है, वहाँ पे जहाँ पे अभी हम लोग ये सब लगाए थे ना वहीं पे प्रसाद मिल रहा है, तो अभी हम लोग वहाँ जाएंगे। चलिए वहीं पे चलते हैं, यहाँ पे कुछ है नहीं। चलो तो फाइनली हम प्रसाद के जहाँ पर प्रसाद मिल रहा है वहाँ पहुँच चुके हैं और ये प्रसाद आप खाइए। प्रसाद तो दे रहा है, वहाँ भी लेगा, बाहर भी दिखा।
अभी हम प्रसाद तो खा चुके हैं और अभी बहुत ज़्यादा लोग नहीं आए प्रसाद देने के लिए, तो अभी हमको टाइम मिला है तो हम थोड़ा चना खाने के लिए आए हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पीछे आप देख रहे हैं इनको, ये सब देखिए वो चना खा रहे हैं। तो अभी हम भी वहीं पे चलते हैं, अभी आ रहे हैं। प्रांजल ले लिए चना, आप उतना ही खाइएगा, उतना खा लीजिएगा ना, दिखाइए। हेलो, आज हम लोग की आज हम लोग की चना पार्टी हो रही है। अरे वाह, आप अपना चना तो दिखाइए। चना देखिए, आप उतना ही खाइएगा, इतना कम। हाँ, अब चलिए, अब हम लोग खाने जा रहे हैं। टाटा टाटा। सो गाइस, इस व्लॉग में बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस जल्द ही नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।